अस्सलाम वालेकुम, माय नेम इज़ मिसबा जब्बार। वेलकम टू डीपीएस ऑनलाइन क्लासेस। हम चैप्टर नंबर 1 पढ़ रहे हैं, फिजिकल क्वांटिटीज एंड मेजरमेंट्स। आज हम इस चैप्टर से ये टॉपिक्स पढ़ेंगे, लीवर बैलेंस, इलेक्ट्रॉनिक बैलेंस एंड स्टॉप वॉच। इस लेसन के लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स ये हैं। By the end of the lesson, students will be able to explain the method of using lever and electronic balance, describe how to use stopwatch. तो सबसे पहले हम लीवर बैलेंस की बात कर लेते हैं। ये मैस मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट है और इससे पहले आप फिजिकल बैलेंस पढ़ चुके हैं जो कि मैस मेजरिंग के लिए यूज होता है। मैस से मुराद है जो मैटर कोई भी बॉडी पोजेस करती है, उसको हम उसका मैस कहते हैं। तो हम सबसे पहले देखते हैं कि लीवर बैलेंस कैसा होता है। ये आपको फिगर में नज़र आ रहा है, लीवर बैलेंस इस तरह से दिखाई देता है। इसमें दो पैन्स होते हैं और एक लीवर सिस्टम लगा हुआ होता है। अब इसमें कुछ भी नहीं है इन दोनों पैन्स में। अगर ये लीवर बिल्कुल बैलेंस हो तो इसका मतलब है कि इन दोनों पैन्स का जो मैस है वो सेम है। अब हम चूंकि ये किसी भी ऑब्जेक्ट का मैस मेजर करने के लिए यूज़ करते हैं, तो हम एक पैन में वो ऑब्जेक्ट रखेंगे जिसका मैस हम मालूम करना चाह रहे हैं। सपोज इस पैन में हम रख देते हैं, तो अब आप इस पैन में वो ऑब्जेक्ट रखेंगे तो ये डाउनवर्ड मूव करेगा, यानी ये बैलेंस नहीं रहेगा। तो अब हमने चूंकि इस ऑब्जेक्ट का मैस मालूम करना है, तो हमारे पास कुछ स्टैंडर्ड मैसेज होते हैं, जैसे 1 kg, 2 kg, 5 kg, 10 kg। तो वो स्टैंडर्ड मैस हम दूसरे पैन में डालेंगे और जिस वक्त ये दोनों पैन फिर से बैलेंस हो जाएंगे, इसका मतलब जिस ऑब्जेक्ट का मैस हमें मालूम नहीं है वो हमें मालूम हो गया है। अ लीवर बैलेंस कंसिस्ट ऑफ अ सिस्टम ऑफ लीवर्स। व्हेन लीवर इज लिफ्टेड प्लेसिंग द ऑब्जेक्ट इन वन पैन एंड स्टैंडर्ड मैसेज ऑन द अदर पैन, द पॉइंटर ऑफ द लीवर सिस्टम मूव्स। द पॉइंटर इज ब्राउट टू जीरो बाय वेयरिंग स्टैंडर्ड मैसेज। अब हम इलेक्ट्रॉनिक बैलेंस देखते हैं। इलेक्ट्रॉनिक बैलेंस जैसे आपको इस फिगर में दिखाई दे रहा है कि ये डिजिटली वर्क करेगा, यानी यहाँ पे एक आपको ये पैन नज़र आ रहा है, आपने जो भी ऑब्जेक्ट का मैस फाइंड करना है आप उसे यहाँ पे रखेंगे, तो आपको इस स्क्रीन के ऊपर जहाँ पे ये डिजिट्स नज़र आ रहे हैं उस ऑब्जेक्ट का मैस आपको यहाँ पर लिखा हुआ नज़र आ जाएगा। अब इस बैलेंस को यूज़ करने से पहले हम एक बटन के ज़रिए इसको रीसेट करेंगे, यानी ये जो रीडिंग है हम इसको ज़ीरो पे लेके आएंगे। और जब ये सेट हो जाएगा तो हम जिस भी ऑब्जेक्ट का हमने मैस मालूम करना है उसको यहाँ पे रखेंगे और वो मैस हमारे सामने आ जाएगा। ये ज़्यादा एक्यूरेट बैलेंस है, इससे हम ज़्यादा एक्यूरेटली प्रिसाइजली किसी भी ऑब्जेक्ट का मैस फाइंड कर सकते हैं। ये बहुत सारी रेंजेस में आते हैं, अवेलेबल होते हैं, जैसे मिलीग्राम रेंज या ग्राम रेंज या किलोग्राम रेंज, यानी आप कम से कम और ज़्यादा से ज़्यादा छोटी और बड़े ऑब्जेक्ट का मैस फाइंड कर सकते हैं। इलेक्ट्रॉनिक बैलेंसेस कम इन वेरियस रेंजेस, मिलीग्राम रेंजेस, ग्राम रेंजेस एंड किलोग्राम रेंजेस। बिफोर मेजरिंग द मैस ऑफ अ बॉडी इट इज़ स्विच्ड ऑन एंड इट्स रीडिंग इज सेट टू जीरो। नेक्स्ट प्लेस द ऑब्जेक्ट टू बी वेटेड। The reading on the balance gives you the mass of the body placed over it. Which balance is most accurate? अभी तक हमने beam balance पढ़ा, physical balance पढ़ा, electronic balance पढ़ा, तो इनमें से ज़्यादा accurate कौन सा होगा? अब हम ये देखते हैं। सबसे पहले हम एक coin लेंगे और उस coin का mass हम beam balance, physical balance और electronic balance से find करेंगे और देखेंगे कि इन तीनों बैलेंस से सेम कॉइन की के मैस की वैल्यू क्या आती है। तो जब हम बीम बैलेंस पे वो कॉइन रखते हैं तो उसका मैस आता है 3.2 ग्राम्स और बीम बैलेंस का लीस्ट काउंट होता है 0.1 ग्राम और 100 मिलीग्राम, यानी ये 0.1 ग्राम तक एक्यूरेटली मैस मेजर कर सकता है। लेट द बैलेंस मेजर्स कॉइन्स मैस इज इक्वल टू 3.2 ग्राम। A sensitive beam balance may be able to detect a change as small as of 0.1 gram or 100 milligram. ये इसका least count है, यानी कम से कम reading जो ये ले सकता है। उसके बाद हम उसी coin का जब mass
फिजिकल बैलेंस से हमने मालूम किया तो हमारे पास जो रीडिंग आई वो 3.24 ग्राम्स थी। बीम बैलेंस से 3.2 ग्राम थी और फिजिकल बैलेंस से 3.24 ग्राम्स आई। फिजिकल बैलेंस का लीस्ट काउंट 0.01 ग्राम्स या 10 मिलीग्राम होता है, यानी ये बीम बैलेंस से ज़्यादा कम ज़्यादा छोटे मैसेस को भी मेजर कर सकता है। लास्टली हम इस कॉइन का मैस इलेक्ट्रॉनिक बैलेंस से फाइंड करेंगे। इलेक्ट्रॉनिक बैलेंस से जब हमने इस कॉइन का मैस फाइंड किया तो उसकी रीडिंग हमारे पास आई 3.247 ग्राम्स और इलेक्ट्रॉनिक बैलेंस का लीस्ट काउंट 0.001 ग्राम या 1 मिलीग्राम होता है। तो अब आपने देखा कि जो सबसे ज़्यादा प्रीसाइज और एक्यूरेट मेजरमेंट हमें मिली है वो इलेक्ट्रॉनिक बैलेंस से मिली है। इसका मतलब ये हुआ कि इलेक्ट्रॉनिक बैलेंस सबसे ज़्यादा सेंसिटिव और एक्यूरेट है। स्टॉपवॉच, अब हम स्टॉपवॉच की बात करेंगे। स्टॉपवॉच टाइम इंटरवल मेजर करने का इंस्ट्रूमेंट है। इससे पहले आप रिस्ट वॉचेस और क्लॉक के बारे में जानते हैं जिससे हम टाइम मालूम करते हैं। स्टॉपवॉच और रिस्ट वॉचेस और क्लॉक में बुनियादी फ़र्क ये है कि स्टॉपवॉच को हम अपनी मर्जी से रोक या चला सकते हैं, तो इससे हम शॉर्टेस्ट टाइम इंटरवल दो इवेंट्स के दरमियान भी फाइंड कर सकते हैं और एक स्टॉपवॉच दिखने में इस तरह से होगा। A stopwatch is used to measure the time interval of an event. आप यूँ कह सकते हैं कि अगर कोई भी पर्सन एक रेस में हिस्सा लेता है और हमने टाइम मेजर करना है कि वो डेस्टिन्ड प्लेस है उस तक कितने वक्त में पहुंचता है, तो हम उसका ए से बी तक का जो टाइम इंटरवल है वो स्टॉपवॉच से फाइंड कर सकते हैं। यानी जब भी वो पर्सन मूव करना शुरू करेगा हम स्टॉपवॉच ऑन कर देंगे और जैसे ही वो रुकेगा हम स्टॉपवॉच स्टॉप कर देंगे, जिससे स्टॉपवॉच के ऊपर वो टाइम हमारे पास आ जाएगा जिस टाइम में उस पर्सन ने वो डिस्टेंस कवर किया है। इसी तरह से जैसे आप पेंडुलम इसकी वाइब्रेशंस का टाइम अगर आपने मेजर करना है तो वो आप स्टॉपवॉच से कर सकते हैं। देयर आर टू टाइप्स ऑफ स्टॉपवॉचेस, मैकेनिकल स्टॉपवॉच, डिजिटल स्टॉपवॉच। ये स्टॉपवॉच जो आपको नज़र आ रही है ये मैकेनिकल स्टॉपवॉच है। डिजिटल स्टॉपवॉच इस तरह से होती है, यानी इसके ऊपर आपको न्यूमेरिकल फॉर्म में जो टाइम की वैल्यू है रीडिंग है वो आपको नज़र आएगी और ये मैकेनिकल स्टॉपवॉच से ज़्यादा सेंसिटिव और एक्यूरेट मेजरमेंट हमें देगा। लीस्ट काउंट ऑफ मैकेनिकल स्टॉपवॉच, लीस्ट काउंट का मतलब है वो कम से कम रीडिंग जो कोई भी मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट ले सकता है, और मैकेनिकल स्टॉपवॉच का लीस्ट काउंट 0.1 सेकंड है, यानी ये 0.1 सेकंड तक एक्यूरेट मेजरमेंट ले सकता है। लीस्ट काउंट ऑफ डिजिटल स्टॉपवॉच 0.01 सेकंड होता है, यानी ये मैकेनिकल स्टॉपवॉच से भी स्मॉल इंटरवल्स ऑफ टाइम को एक्यूरेटली मेजर कर सकता है। कंस्ट्रक्शन हम देखते हैं कि स्टॉपवॉच की किस तरह से होती है। यहाँ पे आपको ये एक नॉब नज़र आ रही है, ये इसी यही नॉब इसका सेट और रीसेट बटन है और यही इसका स्टॉप और ऑन बटन है। यानी आप इस नॉब को प्रेस करेंगे तो ये नीडल बिल्कुल सेंटर में आ जाएगी। आप जैसे ही इस नॉब को प्रेस करेंगे दोबारा से ये नीडल मूव करना शुरू कर देगी और जैसे ही आपने टाइम को इसको स्टॉप करना होगा आप दोबारा से फिर इस नॉब को प्रेस करेंगे तो ये वहीं पे ये नीडल स्टॉप कर जाएगी, यानी स्टॉपवॉच वहीं पे रुक जाएगी। तो इसी नॉब की मदद से हम इसको स्टार्ट करते हैं, स्टॉप करते हैं और इसको रीसेट करते हैं, यानी दोबारा से सेंटर में लेके आते हैं। इट हैज़ अ नॉब डैट इज़ यूज टू वाइंड द स्प्रिंग डैट पावर्स द वॉच। इट कैन ऑल्सो बी यूज एज अ स्टार्ट स्टॉप एंड रीसेट बटन। It has minute and second hands. How to use stopwatch? जब आपने stopwatch को use करना है तो आप सबसे पहले इसको reset करेंगे, जिसके लिए आप इस knob को press करेंगे और ये needle center में आ जाएगी। फिर जब आप time measure करना शुरू करेंगे तो आप
इसी नॉब को प्रेस करेंगे ये नीडल मूव करना शुरू कर देगी, और जब आपने इसको स्टॉप करना होगा तो आप दोबारा से इसी नॉब को प्रेस करेंगे और ये नीडल वहीं पे रुक जाएगी और आप इस यहाँ से टाइम काउंट कर लेंगे। द वॉच स्टार्ट्स व्हेन द नॉब इज प्रेस्ड वंस, व्हेन प्रेस्ड सेकेंड टाइम इट स्टॉप्स द वॉच, व्हाइल द थर्ड प्रेस ब्रिंग्स द नीडल बैक टू जीरो पोजिशन। हाउ टू यूज डिजिटल स्टॉप वॉच। डिजिटल स्टॉप वॉच में भी हमारे पास यहाँ पे बटन्स नजर आ रहे हैं, एक स्टार्ट स्टॉप बटन होगा और एक रीसेट बटन होगा। जैसे ही आप स्टार्ट स्टॉप बटन को प्रेस करेंगे यहाँ पे ये टाइम काउंट होना शुरू हो जाएगा, और उसी बटन को दोबारा प्रेस करने से टाइम स्टॉप कर जाएगा, यानी रीडिंग आपको यहाँ पे लिखी हुई नजर आ जाएगी टाइम की। और रीसेट बटन यहाँ पे दोबारा से जीरो ले आएगा। द डिजिटल स्टॉप वॉच स्टार्ट्स टू इंडिकेट द टाइम लैप्स्ड एज द स्टार्ट स्टॉप बटन इज प्रेस्ड। As soon as start stop button is pressed again, it stops and indicates the time interval recorded by it between start and stop of an event. A button restores its initial zero setting. Key points हम देखते हैं अब। Least count of beam balance is 0.1 grams, यानी beam balance 0.1 gram तक reading ले सकता है। लीस्ट काउंट ऑफ फिजिकल बैलेंस इज 0.01 ग्राम। लीस्ट काउंट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक बैलेंस इज 0.001 ग्राम। ए स्टॉप वॉच इज यूज टू मेजर द टाइम इंटरवल ऑफ एन इवेंट। असाइनमेंट, आंसर दीज क्वेश्चन। विच बैलेंस इज मोस्ट एक्यूरेट, फिजिकल बैलेंस, बीम बैलेंस, इलेक्ट्रॉनिक बैलेंस, नन। Least count of digital stopwatch is 0.1 second, 0.01 second, 0.001 second, none. Electronic balance is used to measure mass, weight, volume, none. Least count of electronic balance is 0.1 gram, 0.001 gram, 0.001 gram, none. That's all about today's lesson. Thank you very much.